दोस्तों, अमेजिंग कोइंसिडेंस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो मिस मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो चलिए आज की पार्ट 3 शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है ये फोटो जो कि एक स्क्रीनशॉट द्वारा ली गई है, और इसमें आप लोग देखो कि दो नई न्यूज आई हुई है। यहाँ पर एक आई है फॉक्स न्यूज की जो कि 2:33 AM पे आई है, और एक आई है मॉन्स्टर की तरफ से जो कि 2:06 पे आई थी। और इन दोनों में समानता यह है कि मॉन्स्टर ने 7 नई नौकरियां ढूंढी है उस बंदे के लिए, लेकिन फॉक्स न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज में 7 बंदे मारे गए हैं फ्लोरिडा के नाइट क्लब में, और ये बैड टाइमिंग का कोइंसिडेंस भी है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है ये लड़की जिसका नाम एमी पार्क्स है, और ये जिस पार्क में खड़ी होकर न्यूज बता रही थी और लोगों तक ये न्यूज पहुंची, तो उन्होंने इस बंदे की फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर अपलोड कर दी जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है सी वॉज बोर्न फॉर दिस जॉब, मतलब इस लड़की का नाम एमी पार्क्स है, और ये जिस पार्क में खड़ी होकर वीडियो बनवा रही थी उस पार्क का नाम भी एमी पार्क्स है, बस एक दो अक्षरों की ही हेर फेर है। और लोगों ने लिखा सी वॉज बोर्न फॉर दिस जॉब, और ये फोटो सुपर वायरल हो रही है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आती है ये फोटो। इसमें एक बंदा सेल्फी लेते हुए ये बता रहा है कि उसने एक पब्लिक प्लेस में 4 बंदे ऐसे देखे जिन्होंने सेम कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें से 3 कोई और थे और चौथा वो खुद। और नीचे लिखा हुआ है 4 स्ट्रेंजर्स सेम आउटफिट, तक गजब का कोइंसिडेंस है ना ये। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आती है ये फोटो। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है और ना ही ये जानबूझकर किया गया। ये गलती से एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को नेल गन से उसके पैर पे हिट कर दिया, दोनों नेल्स मार दी, लेकिन उसकी दोनों बार किस्मत इतनी बढ़िया थी कि उसकी जो नी कैप थी वो बच गई दोनों ही बार, वरना अगर वो नी कैप में डल जाती तो शायद उसका चल पाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन उस बंदे की किस्मत इतनी बढ़िया थी कि वो नेल उसके पैर में हड्डी में ना लग के सिर्फ मांस में ही लगी, और डॉक्टर्स को भी ज्यादा देर नहीं लगी उनको बाहर निकालने के लिए। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आती है ये फोटो, जिसमें ये एक लड़की बैठी हुई है ट्रेन में और उसके पीछे एक पोस्टर बना हुआ है, और इन दोनों के बीच समानता ये है कि ये दोनों बिल्कुल सेम ही लग रही हैं। इन दोनों ने रेड कलर की ही ड्रेस पहनी हुई है और इन दोनों के हेयर कलर्स भी ब्राउन कलर के हैं। और इसमें नीचे देखे क्या लिखा हुआ है, कैन आई गेट $100 ऑन दिस दैट्स लकी दिस जिम। दोस्तों, क्या गजब का कोइंसिडेंस है, क्या ये आपके साथ भी कभी हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आती है ये फोटो, जिसमें एक बंदा गली में आग निकाल रहा था अपने मुंह से जो खेल दिखाते हैं वो, लेकिन एक बंदे ने उसको ऐसी परफेक्ट टाइमिंग पर क्लिक किया मानो ये कोई ड्रैगन हो और ये उस फायर ब्रीथर को किस कर रहा हो। और आप लोग इसको खुद ही देख सकते हैं कितनी अमेजिंग कोइंसिडेंस है ये। अब दोस्तों, अगले नंबर पर आती है ये मूंगफली की फोटो, जिसमें 5-5 दाने हैं, और दोस्तों ये दाने लाखों में से सिर्फ एक मूंगफली या दो मूंगफली में निकलते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपकी मूंगफली में भी कभी 5 दाने निकले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कॉन्फिडेंस वीडियो देखने के लिए। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।